कल आपको बता रहे थे हम कि यूकेरियोट्स और प्रोकेरियोट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल सेल टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो दो तरह के टोटल बायोलॉजिकल वर्ल्ड में दो तरह के फंडामेंटल सेल टाइप्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं प्रोकेरियोट्स और दूसरे को कहते हैं यूकेरियोट्स। तो हम लोगों ने जो डिफरेंसेस कल देखे थे, जरा उसका एक रिकैप ले लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या देखा, क्या डिफरेंसेस, कौन कौन से डिफरेंसेस हम लोग पढ़े थे। तो रिकैप अगर देखें हम लोग, व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे रिकैप, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डेफिनेशन क्या होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का। तो वी हैव स्टडीड अबाउट डेफिनेशन। सो फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड इज डेफिनेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो डेफिनेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक सेल के बारे में, कि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये पहली चीज तो हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़ी थी, कि डेफिनेशन पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है, किस तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वी हैड स्टडीड, नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक तो हम लोगों ने पढ़ा था, नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का नेचर कैसा होता है, मटेरियल मटेरियल एंड देयर लोकेशन, एंड देयर लोकेशन, ये हमने पढ़ा था। तो हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड होता है। तो न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियोइड जो है, दिस न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल, इज द जेनेटिक मटेरियल मटेरियल इन प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो न्यूक्लियोइड्स होते हैं। और न्यूक्लियोइड्स जो कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशन के बारे में अगर हम बताएं तो लोकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो, नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जो नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड है। और उसके लोकेशन की अगर हम बात करें, तो चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए जो न्यूक्लियोइड होता है वो कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड डिफ्यूज इन द साइटोप्लाज्म। तो ये लोकेशन की अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोइड जो होते हैं, तो न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोइड, दिस न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इन द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोइड जो है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्यों साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बिकॉज बिकॉज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज एब्सेंट, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज्ड पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो न्यूक्लियोइड होता है, इसमें जो डीएनए होता है वो नेकेड डीएनए होता है, द डीएनए, और इसमें जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, द डीएनए इज नेकेड, नेकेड डीएनए होता है, इज नेकेड। और ये नेकेड क्यों होता है, बिकॉज बिकॉज देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन, बिकॉज देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, देर इज नो हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विथ डीएनए, एसोसिएटेड विथ डीएनए। तो डीएनए के साथ जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होता है, इसलिए ये जो डीएनए होता है ये नेकेड डीएनए होता है इसमें। तो ये एक चीज हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद इसी को हमने यूकेरियोट्स में कैसे पढ़ा,
तो यूकेरियोट्स में बताया था कि देखिए पहला तो नेचर क्या है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है वो। इसमें देखें कि द जेनेटिक मटेरियल, आप देखें द जेनेटिक मटेरियल, द जेनेटिक मटेरियल मटेरियल इन यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यूकेरियोटिक सेल इन यूकेरियोटिक सेल ये कैसा होता है, इज क्रोमैटिन, इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, वहां न्यूक्लियोइड के फॉर्म में था, और यहां पे क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है, तो ये जो फॉर्म है इसका, इसको कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। अच्छा आप क्रोमैटिन क्या होता है जरा इसको देखें, तो ये जो क्रोमैटिन है ये एक्चुअली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प, तो क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन इज न्यूक्लियो प्रोटीन, ये क्या होता है, ये है न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग किस चीजों का बना होता है, तो कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए, कंसिस्ट ठीक ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, विथ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये डीएनए क्या होता है, ये एसोसिएटेड होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डीएनए, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है, इट इज कॉल्ड डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। तो जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, तो ये जो क्रोमैटिन के बारे में है हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, न्यूक्लियस, जब हम यूकैरियोट का न्यूक्लियस बताएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि क्रोमैटिन किस तरह से होता है, किस फॉर्म में वो होगा। अच्छा अब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो यूकेरियोट्स में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर सेक्वेस्टर्ड होते हैं, तो द क्रोमैटिन, अब इसमें क्या कहेंगे कि ये जो क्रोमैटिन होता है, दिस क्रोमैटिन द जेनेटिक मटेरियल कह लीजिए, द जेनेटिक मटेरियल, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मटेरियल इज सिक्वेस्टर्ड, कहाँ सिक्वेस्टर्ड होता है, सिक्वेस्टर्ड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, सिक्वेस्टर्ड इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में ये सिक्वेस्टर्ड होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें होता है तो उसी के अंदर सिक्वेस्टर्ड होते हैं। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन द न्यूक्लियस बिकॉज, बिकॉज ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एनक्लोज्ड बाय, एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो न्यूक्लियस पाए जाने की वजह से ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने जो है कल पढ़ी, और तीसरी चीज हम लोगों ने ये पढ़ा था, द थर्ड पॉइंट वी स्टडी डिस्टर्डे वॉज, तीसरी चीज जो टाइप है वो हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि टाइप, राइबोसोम का जो टाइप होता है, तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह का होता है राइबोसोम्स। तो इसमें देखें, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है, तो प्रोकैरियोट्स हैव, प्रोकैरियोट्स
ये प्रोकैरियोट्स में जो है, प्रोकैरियोट्स हैव 70S राइबोसोम, इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक राइबो। है, और जो यूकेरियोट्स होता है उसमें 80S राइबोसोम्स होते हैं। तो यूकेरियोट्स हैव, यूकेरियोट्स में अगर हम लोग देखें तो यूकेरियोट्स हैव 80S राइबोसोम, इसमें कैसा होता है, 80S राइबोसोम होता है, राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम के बारे में बताएं कि राइबोसोम किन चीजों का बना होता है। इसके बारे में हमने बताया था कि राइबोसोम इज आरएनपी पार्टिकल। तो हमने ये बताया था कि राइबोसोम किस तरह का होता है, तो राइबोसोम क्या होते हैं, इट इज आरएनपी पार्टिकल, इट इज आरएनपी पार्टिकल, आरएनपी पार्टिकल। ये कैसा पार्टिकल होता है, आरएनपी मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। तो आरआरएनए और प्रोटीन्स, ये दोनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब देखिए, ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम के अगर हम बात करें तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ किन चीजों का बना होता है, तो कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, दो सब यूनिट्स का बना होता है, टू सब यूनिट्स, सब यूनिट दो सब यूनिट्स के बने होते हैं। एक को कहते हैं LSU, लार्जर सब यूनिट, एक होता है लार्जर सब यूनिट, सब यूनिट LSU के लार्जर सब यूनिट होता है। दूसरा जो होता है उसमें स्मॉलर सब यूनिट होता है, दूसरा दूसरा होता है स्मॉलर, स्मॉलर सब यूनिट ये होता है। तो हम लोग कहते हैं SSU, स्मॉलर यूनिट। अब ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होते हैं, ये राइबोसोम में फ्रीली पाए जाते हैं, ये राइबोसोम में क्या होते हैं, ये फ्रीली पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से ये सब यूनिट जो है वो ऐसे ऐसे जो है ये ऐसे ये पाया जाता है, फ्रीली पाए जाते हैं। LSU है और दूसरा जो है वो SSU है। तो दो सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट या स्मॉलर सब यूनिट, और ये दोनों क्या है, फ्रीली फाउंड होते हैं, दे आर फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये फ्री होते हैं, तो दे आर फ्री, ये क्या होते हैं, फ्री, फ्री सब यूनिट्स होते हैं। तो ये फ्री सब यूनिट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है तो ये इस एमआरएनए, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस जब ये होगा तो ये एमआरएनए के साथ ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए के साथ क्या होगा, ये अटैच हो जाते हैं। तो ये जो है ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद जो है वो ऐसे एक कंप्लीट राइबोसोम ये बना लेता है। ये जो है ये इस तरह से देखें तो ये ऐसे राइबोसोम हो गया ये, और एक जो है लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों ऐसे इस पे जुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे ये ऐसे इस पे जुड़ जाते हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये इसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है पॉलीराइबोसोम। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम कहते हैं, तो पॉलीराइबोसोम इसे कहा जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या होती है, इस पॉलीराइबोसोम पे, इसी पे क्या होता है, सिंथेसिस होती है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स, तो ये है कि प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, सो राइबोसोम्स आर, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स में भी स्पेशली क्या कहेंगे हम, स्पेशली इसका नाम होगा पॉलीसोम्स, स्पेशली पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स इन्हें कहते हैं हम, पॉली राइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स। और ये क्या होते हैं, आर साइट्स ऑफ, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स होते हैं।
तो इसीलिए राइबोसोम्स को, सो दैट्स व्हाई राइबोसोम्स, सो राइबोसोम्स आर कॉल्ड, इसलिए जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आर कॉल्ड, राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड, राइबोसोम्स को हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, तो ये हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, तो इन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। सो व्हाट आर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को किस नाम से जाना जाता है, तो राइबोसोम्स को हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो सेल का प्रोटीन फैक्ट्री, अब ये दोनों सेल में, चूंकि राइबोसोम्स दोनों जगह पाए जाते हैं, तो ये दोनों में क्या होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस का ही काम है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो मतलब प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो अब देखें कि 70S जो राइबोसोम है, इसमें लार्जर और स्मॉलर कौन कौन से हैं। तो ये जो 70S है, ये तो कंप्लीट राइबोसोम है। दिस 70S इज व्हाट, इट इज कंप्लीट राइबोसोम। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कंप्लीट राइबोसोम कहते हैं, कंप्लीट राइबोसोम इसे कहेंगे, ठीक है। या सिर्फ सिंपली हम इसे राइबोसोम्स, या इसे हम जो है वो टर्म दे देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। इसे जो है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स भी इसे कहा जाता है, राइबोसोम, तो इसे हम कहते हैं। अब इसमें देखें, इसमें जो लार्जर सब यूनिट होगा और स्मॉलर सब यूनिट होगा, वो कौन सा है देखें, तो जो लार्जर सब यूनिट है और जो स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। तो ये जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S होता है, ठीक है, और ये जो स्मॉलर होता है वो 30S होता है। दोनों को आप कभी जोड़िएगा नहीं, 50 और 30 को जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 80S राइबोसोम होता है, दूसरा दूसरा राइबोसोम है 80S। तो ये 80S जो राइबोसोम है, इसे हम लोग कहते हैं, इसी का नाम जो है, ये 80S राइबोसोम है, इसी को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। दिस इज यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्योंकि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, तो दिस इज यूकैरियोटिक राइबोसोम इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में भी जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो लार्जर सब यूनिट है LSU, लार्जर जो सब यूनिट है, और इसमें एक स्मॉलर सब यूनिट होगा SSU होगा। तो जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60S है, ठीक है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S होता है यूकैरियोट्स में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना है कि 70S कहाँ पे होगा, 80S कहाँ पे होगा। अब ये जो S, ये इसमें जो लिखा हुआ है, इट इज स्वेडबर्ग यूनिट। इस S को हम क्या कहते हैं, इस S को जो है वो कहते हैं, S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट इसे कहते हैं, जैसे स्वेडबर्ग यूनिट इसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कितने तरह के राइबोसोम होंगे, तो दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है दैट इज 70S, एक जो यूकैरियोट्स में पाया जाएगा 80S। तो दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, और ये S का मतलब होता है स्विडबर्ग यूनिट, ये चीज क्लियर है। अब देखिए, इसके अलावा जो अगला जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है, तो हम लोगों ने कितने डिफरेंसेस पढ़े, एक तो डेफिनेशन का हो गया, नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, तीसरा जो है वो राइबोसोम, टाइप ऑफ राइबोसोम्स हो गया। अब अगर साइज की अगर बात करें, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की साइज बहुत छोटी होती है, यहाँ पे क्लियर कट हमने मेंशन किया हुआ है, देखिए कि प्रोकैरियोटिक साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। इसके कंपैरिजन में जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो साइज में लार्जर होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, अगर साइज की हम बात करते हैं, साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल,
प्रोकैरियोटिक सेल की साइज, प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज क्या होगी, ये स्मॉल होती है। अब स्मॉल में भी कितने से कितने के बीच में रेंज करेगा, तो इट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर, तो 1 से 10 माइक्रोमीटर जो है ये साइज होती है किसकी, ये साइज होती है प्रोकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल अगर हम देखें, तो साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल अगर देखें, यूकैरियोटिक सेल, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है इट इज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, ये लार्जर होता है, लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल से ये बड़ा होता है। और इसकी साइज कितनी होती है, ये 5 to 100 माइक्रोमीटर ये इसकी साइज होती है। तो दिस इज द साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल की साइज होती है। तो ये एक डिफरेंसेस हमने जाना। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या चीजें नहीं होंगी, तो देखिए जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एक प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सिंपल होता है, तो इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है और अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, मतलब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मेम्ब्रेन बाउंड, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, तो तीसरा चौथा, तो चौथा पांचवा पॉइंट देखें, तो पांचवा पॉइंट ये है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, इसको कॉमनली कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, इसका कॉमन नेम होगा सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। तो जैसे क्या क्या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं जो एब्सेंट होंगे, तो देखिए इसमें जो है, इसमें नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, गॉल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, गॉल्जी बॉडी नहीं पाई जाएगी, गॉल्जी बॉडी इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ये वैक्यूल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं एटसेट्रा आर एब्सेंट, ये सभी जितने भी जो मेजॉरिटी हैं वो नहीं पाए जाते हैं, आर एब्सेंट, ये एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं इसमें। तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, तो पाया क्या जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब सारी चीज एब्सेंट है तो पाया क्या जाएगा, तो वो भी हम बता दे रहे हैं क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव क्या क्या चीजें होंगी, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव, अब देखिए इसमें क्या क्या होती है चीजें, तो पहला तो देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, ये तो पाया ही जाएगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होगा इसमें, तो दूसरा देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रेस्पिरेशन होता है, तो उसको मिसोसोम्स कहते हैं।
इसमें मिसोसोम्स पाए जाते हैं, मिसोसोम्स, ये मिसोसोम्स होता है, मिसोसोम्स। तो दिस इज एनालोगस टू, दिस स्ट्रक्चर इज एनालोगस, एनालोगस टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसी के जैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये होता कैसा है, तो देखिए ये जैसे मान लेते हैं बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो इसका जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो अंदर की साइड में ऐसे जो है ये ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, इनवर्ड इन्वेजिनेशन इसमें होता है, तो उससे ये स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम मिसोसोम्स कहते हैं। दिस इज वॉट इज मिसोसोम, ये मिसोसोम होता है, मिसोसोम इसे कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसमें होता है। और इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर जो है वो, इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे ऐसे, ये सेल वॉल होता है इस तरह से, तो ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये सेल वॉल होता है, ये स्ट्रक्चर, ये इसमें इस तरह से सेल वॉल होता है। और सेल वॉल के बाद इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे फ्लैजिला भी निकले रहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैजिला ऐसे निकला रहता है, ये देखिए ये जो है ना, ये फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर बना होता है इसमें, ये ऐसे फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर जो है, जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है इसमें। तो दो चीज तो ये पाई जाती है, तीसरी चीज जो इसमें पाई जाती है वो आपको क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल के बाद चौथी चीज जो है इसमें वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप के अभी हमने बताया, ये राइबोसोम्स इसमें होगा, ऐसे ऐसे ये राइबोसोम्स हैं, ये ऐसे राइबोसोम्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ऐसे राइबोसोम्स हैं। तो इस तरह से, और उसके बाद यहाँ में जो है वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। एक स्ट्रक्चर और था, फ्लैजिला भी होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा, तो और इसमें जो है फ्लैजिला भी पाया जाता है, ये पांचवा हम कहीं यहाँ लिख लें कि फ्लैजिला होगा। इसके बाद देखिए जो पांचवा है वो क्या होगा, फ्लैजिला होता है इसमें, पांचवा फ्लैजिला। और फ्लैजिला का काम क्या है, फ्लैजिला, तो फ्लैजिला का काम क्या है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, मूवमेंट, ठीक है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि फ्लैजिला पाया ही जाए, फ्लैजिला हो भी सकता है, फ्लैजिला नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन बहुत सारी ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें क्या है, फ्लैजिला पाया जाता है, तो फ्लैजिला भी पाया जाता है, ये भी एक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। और बहुत सिंपल, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो सबसे पहला मॉडल होता है, तो ये लाइफ का पहला मॉडल है ना, ये दिस इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ द लाइफ, तो फर्स्ट मॉडल ऑफ लाइफ हमेशा सिंपल होती है, या कोई भी मॉडल जो पहला लॉन्च होता है, फर्स्ट लॉन्च, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा सिंपल होता है, इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में एकदम सिंपल होगा वो स्ट्रक्चर, तो ये भी एकदम सिंपल होता है। तो ये तो है आपके कि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या है, वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोट्स की अगर हम बात कर लें अब, ठीक है, कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, देखिए इन यूकैरियोट्स, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो इन यूकैरियोट्स सेल ऑर्गेनेल या साइटोप्लाज्मिक
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यानी मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। तो अब ये जो साइटोप्लाज्म, इसकी वजह से साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो देखिए जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है वो सिंगल लेयर का हो सकता है, डबल लेयर का हो सकता है। तो यहां पे देखें द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ऐसे कह लें कि इसको हम कहें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की अगर बात करें, ऑर्गेनेल, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होंगे क्या कि जिसमें सिंगल लेयर पाया जाएगा, तो सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, वन इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड, और उसके बाद हो सकता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, डबल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बाउंड स्ट्रक्चर, बाउंड स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन में क्या क्या आते हैं, तो देखिए सिंगल मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वैक्यूल्स आता है, ठीक है, ये लाइसोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है, लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। उसके बाद वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स होते हैं, और पराक्सीसोम्स होते हैं, पराक्सीसोम्स होते हैं, ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, दो मेम्ब्रेन उसमें पाई जाती है, सिर्फ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो हम लोगों को यही सारी चीजें इसमें पढ़नी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ यूकैरियोटिक सेल एंड अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा, अब थोड़ा एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या होता है। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो देखें ये एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहला प्रोकैरियोटिक सेल के देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो देखिए जो पहला एग्जाम्पल होता है वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया है। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्की बैक्टीरिया, ये भी इसी में आता है, आर्की बैक्टीरिया को कहते हैं एंसियंट बैक्टीरिया, ये होता है। और जो मोनेरा किंगडम है ये प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, मोनेरा किंगडम इज प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरियंस आर मोनेरा किंगडम हैज प्रोकैरियोट्स, इसी में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोकैरियोट। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या क्या आएंगे, तो एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट्स देखें, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल, तो एग्जांपल एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल देखें, यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या के एग्जांपल हैं यूकैरियोटिक सेल।
तो देखिए यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं प्रोटिस्टा, एक तो हो जाएगा प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। तो ये जो प्रोटिस्टा होता है इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये कैसा है? इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। अब इसमें क्या क्या आते हैं प्रोटिस्टा में, अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा में देखिए एक तो प्रोटोजोआ आएगा, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें अमीबा भी आता है, ठीक है, अमीबा भी आता है, तो ये अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा, ये सब प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम है, पैरामोशियम है, ये सारे दीज आर द प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा हो गया। प्रोटिस्टा के बाद दूसरा जो है इसमें वो आ जाता है फंजाई आ जाते हैं, फंजाई। तो फंजाई जो है क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, दिस इज मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। इसके बाद जो है वो और क्या आ जाएगा, एक प्लांट हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएंगे और एनिमल्स हो जाएंगे, है, इट इज मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, ये सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर सिर्फ प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को छोड़ के बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन तीनों के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो इन तीनों के मेंबर्स होंगे, ये तीनों के जो मेंबर्स होते हैं, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों के मेंबर्स मतलब फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, दिस थ्री आर, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, ये तीनों है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। ये क्या है, दिस इज मल्टी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट है, ये यूकैरियोट। तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, इज दैट क्लियर?